हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ईसीआई नीट। मैं राहुल कुमार कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूँ कि हमारी पार्ट 5th वीडियो है। इससे पहले पार्ट फोर तक वीडियो हमने अपलोड कर दी है। हम बात करें कोर डेटा के जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना अलग अलग, जैसे साइक्लोस्टोमेटा के, कोंड्रिक्थीज के, ओस्ट्रिक्थीज के, रेप्टाइल्स के, ठीक है। इनके हमने एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं, तो उनकी वीडियो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, ठीक है। और अब तक हमने जो पार्ट 4 वीडियो दी थी उसके अंदर एक क्वेश्चन दिया था आपको, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना था, तो उसका आंसर आप मैच कर लो, ठीक है। तो उसका आंसर आप मैच करना है। फर्स्ट वाला तो क्या है, फर्स्ट वाला तो कैमिलियोन है, मतलब कि ट्री लिजार्ड है। फिर ये तो आप जानेंगे क्रोकोडाइलस है, ये क्या है आप जानेंगे क्लोन टर्टल कछुआ है, और ये भी जानते हो नाजा, ठीक है। तो आई थिंक आपने आंसर सही किया होगा इसका। इसके बाद चलते हैं जो आज की वीडियो है उसका मेन टॉपिक, एग्जांपल ऑफ एवीज। और आपको बता दूं कि उनकी ट्रिक्स काफ़ी इजी थी, उनको याद रखना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ट्रिक के माध्यम से रखा तो याद हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया। लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे हम, एवियस पक्षी को हम देखते ही पहचान सकते हैं बेटा, या फिर उसके नाम से भी पहचान सकते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे। तो इनकी ट्रिक नहीं देखेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। कॉर्वस यानी कि क्रो हो गया, कौवा हो गया, कोलम्बो पिजन हो गया मतलब कि कबूतर हो गया, पैरोट सिटिकुआ पैरोट तोता हो गया है, ऑस्ट्रिच जिसे शुतुरमुर्ग भी कहते हैं वो हो गया, पीकॉक मोर हो गया, पोवा हो गया, ये आपको पता चल रहा है। बस आपको याद ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग क्या है एक पक्षी, ये याद रखना है, स्ट्रूथियो, ठीक है। एडिनोडाइटिज यानी पेगविन क्या है एक पक्षी, ये याद रखना है। नियोफ्रिन वल्चर पक्षी होता है आप सभी को पता है। तो आप देखो अब यह आपको याद रखना नहीं रखना है कि क्रो तोता पेरोट पिजन कबूतर पीकॉक ये क्या है पक्षी, आपको वैसे ही पता है उड़ते ना ये पक्षी है। लेकिन एक तो आपको याद रखना है ओस्ट्रिच है ना, एडिनोडाइटिज पेगविन और नियोफ्रिन वल्चर गिद्ध ये क्या है पक्षी है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है उसका क्वेश्चन हम हर बार पूछते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, लेकिन इसका हम इस बार इसी में बताएंगे, ठीक है। इसी वीडियो में इसका आंसर भी आपको बता दिया जाता है। तो फर्स्ट वाला ए तो क्या रहेगा, नियोफ्रिन रहेगा, स्ट्रूथियो ठीक है, फिर सिटिकुआ और ये पोवो मतलब कि पेवो मतलब कि क्या हो गया ये मोर हो गया है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स, ठीक है। और पहली इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ट्रिक के साथ डिस्कस किया था, इस वीडियो में भी हम ट्रिक के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन एग्जांपल इतने इजी है कि हमें ट्रिक के साथ डिस्कस करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमें याद हो जाते। और वे पेरस तो क्या हो गया, ऑर्निथिस यानी कि प्लेटिपस हो गया, ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखो। वीवी पेरस यानी कि मैक्रोपस क्या हो गया, कंगारू, यह वीवी पेरस होता है। टेरोपस फ्लाइंग फिश बोलते हैं इसको, टेरोपस को फ्लाइंग फिश बोलते हैं। कैमिलस मतलब कि कैमल ऊँट हो गया, मंकी हो गया। उसके बाद रेट चूहा हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, एलिफेंट हो गया, हॉर्स हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये याद रखना डॉल्फिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बेलोप्टेरा वहल ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टाइगर हो गया, पैंथ्रा टाइग्रिस ये भी याद रखना, पैंथ्रा लियो ये अलग अलग होते ना, पैंथ्रा टाइग्रिस और पैंथ्रा लियो, ठीक है। ये एग्जांपल के साथ आपको याद रखना है मैमल्स को भी, चाहते तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से डिस्कस कर सकते थे, लेकिन आपको पता है कि ये वैसे हमें याद रहने वाले हैं। बस एक डॉल्फिन्स में और एक वेलप्टेरा में थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़न होता है, तो इनको थोड़ा सा याद रख लेना कि ये दोनों मैमल्स होते हैं। बाकी आपको पता है कि कुत्ता बिल्ली शेर टाइगर लोयन चीता ये सब क्या है, हाथी ये क्या है, घोड़ा ये सब क्या है, ये सब मैमल्स ही होते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद हम देखते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन जो मेमल्स के अंदर देखना ओर्निक्थीस का ये डायग्राम तो किसका दे रखा है, ओर्निक्थीस का। ये मैक्रोपस का डायग्राम दे रखा है और ये टेरोपस का दे रखा है, चमगादड़ बोलते हैं ना उसको, उसका दे रखा है। और ये बेलोप्टेरा वहल का दे रखा है हड्डी वाला। ठीक है, आपको ऐसे याद है रखना है और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे जैसे कि ये क्वेश्चन आपको डायग्राम देगा और इससे पूछेगा कि इसमें कौन से फीचर हैं, तो इसका मतलब आपको बताने मेमल्स वाले फीचर ही बताने होते हैं। और कुछ स्पेसिफिक फीचर्स एनसीईआरटी में किसी का दे रखा है तो वो अलग से उसमें बताना होता है। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और ट्रिक वाली वीडियो आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मिल जाएगी। 1 से 4 तक जो हमने करवाई ट्रिक के माध्यम से, उसके अंदर काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, उनको काफ़ी सिंपल तरीके से, कॉम्प्लेक्स एग्जामों को भी हमने काफ़ी सिंपल तरीके से आपको बताया है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है आपको, कमेंट करना है, ठीक है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। ठीक है, इसके बाद आप हमें बता सकते हो कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है सर, हमें इसकी ट्रिक चाहिए, हमें ये समझ नहीं आ रहा, तो इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और वैसे हमारी अब कोर डेटा के सारे एग्जांपल्स कवर हो गए, आई थिंक हमने कवर किया होगा 20 से 30 मिनट में आपको सारे एग्जांपल याद करवा दिए ट्रिक के साथ। ठीक है।